How are you? I am KK Bhatt from Universal School Jump Power. So please subscribe my channel, like my video and share my video. So now let's start the today topic. Today our topic is vertically opposite hinges. So what is the Hindi name of vertically? Means shears. Opposite means abhimukh and angle means kon. So what is the meaning of shirsha abhimukh kon? इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना है कि उसकी मीनिंग क्या है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही बिंदु पर होता है लेकिन उनके मुंह एक दूसरे की उल्टी साइड होते हैं। अभिमुख का मतलब अपोजिट साइड, तो उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको समझने के लिए कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इनको समझने के लिए हम को है एक क्रॉस का साइन बनाना है जिसको गुणा कहते हैं। क्रॉस का साइन बनाया, अब इस क्रॉस के साइन में लिखिए ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु है। इस प्रतिच्छेदी बिंदु से अब देखिए चार कोण बन रहे हैं, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आर 4। अब इसमें देखिए जैसा कि टॉपिक की मीनिंग से हम समझे कि शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष एक ही हो लेकिन कोणों के डायरेक्शन अपोजिट हो। अब देखिए ये शीर्ष है, एक कोण इससे ऊपर को बन रहा, एक कोण इससे नीचे को बन रहा, तो ये दो कोण कैसे कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट है। अब इसी को हम एक डायग्राम में चलते हैं तो देखिए ये आपका शीर्ष हो गया और ये एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर से नीचे की हो, ये नीचे से ऊपर की हो। So it means we can say angle 2 is equal to angle 4. This is the first pair of vertically opposite angles. Then what is the second pair of opposite angles? Then now see, this is the center point and this one. This one making in right side and this one is making left hand side. So it means both also will be same. So we will go here in diagram and we will see the diagram angle 1 and angle 3. So angle 1 is equal to angle 3. Both are also the vertically opposite angles. So thank you very much. Thank you for watching.